हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम स्टडी करेंगे क्लोज टेस्ट की, कि किस तरीके से हम क्लोज टेस्ट को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं और एक्यूरेटली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम इस वीडियो क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो क्लास की। देखिए, क्लोज टेस्ट क्या है? क्लोज टेस्ट बेसिकली वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंसन, इन दो चीज़ों का टेस्ट है, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंसन, कि आप वोकेबलरी को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में, और कॉम्प्रिहेंसन लेवल क्या है, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक चीज़ें समझना है कि इसका टेस्ट क्यों लिया जाता है, क्लोज टेस्ट का पर्पज़ क्या है। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट का पर्पज़ एक तो आपकी वोकेबलरी को टेस्ट करना है, और एक आप उस वोकेबलरी को किस तरीके से यूज़ करना है इसको टेस्ट करना है, और निश्चित रूप से कॉम्प्रिहेंसन, मतलब उस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये बेसिक एक्चुअली बैंकिंग एग्ज़ाम में आपके चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सारे टीचर्स बोलते हैं कि हिंदू पढ़िए और दूसरे मैगजीन्स के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको पढ़ना ज़रूरी होता है आपके लिए। तो यहाँ पर इस क्लोज टेस्ट में मैं आपको, इसमें 6 क्वेश्चन हैं और इसके बेसिक्स मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से क्लोज टेस्ट को आपको अप्रोच करना है और कैसे आप उसको सही कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अब यहाँ से आप देखिए, इन इकोनॉमिक्स द टर्म रिसेशन जनरली डिस्क्राइब्स द रिडक्शन ऑफ कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स। अब देखिए, ये इनिशियल लाइन है, और यदि ये इनिशियल लाइन आपको समझ में नहीं आती है तो आगे का जो जो पैराग्राफ है, ये जो आगे का जो पाथ है, इसको आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि पैराग्राफ किस बारे में है और पैराग्राफ क्या बोलना चाहता है। देखिए, इसका मतलब क्या है, इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो इन इकोनॉमिक्स द टर्म रिसेशन, मतलब जो रिसेशन जो शब्द है, जो मंदी जो शब्द है, वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। रिसेशन जनरली डिस्क्राइब्स द रिडक्शन ऑफ कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कंट्री का, देश का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो GDP होता है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि GDP क्या होता है। GDP होता है किसी भी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज, जितना भी माल बिकता है और सर्विसेज की जो वैल्यू होती है, उसको हम GDP बोलते हैं। और GDP से अंदाज़ा हम लगाते हैं कि किसी कंट्री की फाइनेंशियल वैल्यू या फाइनेंशियल जो वर्थ है वो कैसी है, ठीक है, वो कितना पावरफुल है, ये हमें GDP से ही पता पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि रिसेशन जो है, जो मंदी जिसको हम बोलते हैं, वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है, वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है कि कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें रिडक्शन हो रहा है। उसमें कितने दिन तक रिडक्शन हो रहा है, उसमें एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स, ठीक है। देखिए, साल जो होता है उसमें 12 महीने होते हैं, उसमें 4 क्वार्टर बनते हैं 3-3 महीने के, और 2 क्वार्टर यानी 6 महीने तक GDP की ग्रोथ कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि देश में रिसेशन चल रहा है, देश में मंदी चल रही है, ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो अब आपने सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ लिया, अब आप आगे का पार्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में रिसेशन की बात हो रही है, रिसेशन के क्या करेक्टर्स होते हैं, रिसेशन से क्या फ़ायदा नुकसान होता है, ठीक है, रिसेशन में क्या 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 होता है, उसके बारे में इसमें बात हो रही है। तो यही इसमें पूरा बताया है। अब आपको आगे बढ़ना है और आगे का पैरा करना है। अ रिसेशन इज, अब यहां पर देखिए, एक आपको फिल करना है, यहां पर एक वर्ड आपको फिल करना है, और ऑप्शन 5 दिए हैं, इमेजिन्ड, डिपिक्ट, शोन, विजुलाइज्ड एंड करेक्टराइज्ड। अब यहां पर आपको लॉजिक क्या लगाना है, यहां पर आपको लॉजिक 2-3 मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, उनको आपको अप्लाई करना है। देखिए, यहां पर दिया है इज MR, ठीक है, और यहां पर दिया है बाय, तो ये किस चीज में आता है, इज MR और बाय किस चीज़ में आता है, इज MR और बाय जो आता है वो पैसिव वॉइस में आता है। इज MR के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं और एंड में जो एजेंट होता है उसके उसके बगल में बाय लगा रहता है, जैसे दिस लेटर इज रिटन बाय अ टीचर, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। तो इस सेंटेंस को देखने से ये पता पड़ रहा है कि यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब की, क्योंकि यहाँ पर इज MR लगा है, ठीक है, और यहाँ पर बाय लगा है, तो यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें से डिपिक्ट तो है ही नहीं, तो डिपिक्ट तो इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। अब आपको इन 4 में से, यानी करेक्टराइज्ड, विजुलाइज, सोन और इमेजिन में से एक वर्ड चाहिए। तो इनमें से एक वर्ड बाय के साथ आपको देखना है कौन सा वर्ड जा सकता है, ठीक है। अब आप आगे देखिए, बाय राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग,
इन्फ्लेशन में ये होता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है कि राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जीडीपी कम हो रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, लोग फैक्ट्रियां कम लगा रहे हैं, लोग दुकानें कम खोल रहे हैं, तो लोगों को काम कहाँ से मिलेगा? जब काम नहीं मिलता लोगों को तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, और गवर्नमेंट के पास जब पैसा नहीं आता, सफिशेंट पैसा नहीं आता, तो गवर्नमेंट का जो बोरोइंग है, गवर्नमेंट की जो उधारी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ जाती है। ये क्या चीज़ है? ये इन्फ्लेशन के करेक्टर्स हैं, ये इन्फ्लेशन के ट्रेट्स हैं। इससे पता पड़ता है कि देश में मंदी चल रही है, और तो इसलिए इसको देखते हुए यहाँ पर क्या वर्ड आ सकता है, यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आएगा यहाँ पर करेक्टराइज्ड, क्योंकि करेक्टराइज्ड में थर्ड फॉर्म भी है और करेक्टराइज्ड के साथ बाय भी लग जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर और इसका सेंस देखते हुए करेक्टराइज्ड वर्ड जो है वो सही रहेगा। अब देखिए, इसमें डिपिक्ट तो खैर आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है। इमेजिन्ड का मतलब तो होता है कल्पना की जाती है, कि रिसेशन की कल्पना की जाती है किससे? राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट से और इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरिंग से। तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा, तो इसलिए इमेजिन वर्ड तो यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं आएगा। शोन, अब देखिए शोन वर्ड इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर हम डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, एक जनरल फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए शोन कहना सही नहीं होगा। विजुलाइज का मतलब भी कल्पना करना ही होता है, तो इसलिए ये चारों इसमें नहीं आएंगे। इसमें करेक्टराइज्ड जो है वो इसमें सेंस के अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग ये सही रहेगा। तो ये ट्रिक्स आपको इसमें अपनानी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अ रिसेशन इज करेक्टराइज्ड बाय राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग। और अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने किस चीज़ की बात की है कि राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग, और यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। कॉमा लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चूंकि हम क्या बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं जो कि एक नेगेटिव चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना, ठीक है, गवर्नमेंट बोरोइंग की बात कर रहे हैं जो कि एक नेगेटिव चीज़ है, तो चूंकि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसी के इक्विवेलेंट वर्ड आपको चाहिए, इसी के इक्विवेलेंट वर्ड चाहिए, मतलब आपको यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। ठीक है, तो ये एक कॉमन सेंस अप्रोच है कि यहाँ पर मैंने कैसे पता लगाया कि यहाँ पर आपको नेगेटिव वर्ड चाहिए या पॉजिटिव वर्ड चाहिए। अब देखिए, ऑफ शेयर एंड स्टॉक प्राइसेस एंड फॉलिंग इन्वेस्टमेंट, देखिए यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो एंड के बाद भी यहाँ पर एक नेगेटिव करेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि फॉलिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, तो सभी जगह हम जो इकोनॉमी है, जो रिसेशन है, उसकी नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। तो जब नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो शेयर और स्टॉक प्राइसेस का क्या होगा? शेयर और स्टॉक प्राइसेस डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे? इंक्रीज होना तो एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, और एबंडेंस का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि एबंडेंस के बाद यहाँ पर आप ऑफ नहीं लगा सकते, इसमें तो ऑफ लगाए, ऑफ शेयर प्राइसेस, तो एबंडेंस ऑफ आप नहीं बोल सकते। मोर का कोई मतलब ही नहीं है, जैसे मोर ऑफ शेयर प्राइसेस, क्या इसका सेंस निकल रहा है? वेरियंस का भी कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पर जो सही वर्ड होगा, जो कि निगेटिव वर्ड है और सेंस के अकॉर्डिंग है, वो होगा डिक्रीज। ठीक है, तो सेकंड में आपको भरना है डिक्रीज ऑफ शेयर एंड स्टॉक प्राइसेस। शेयर एंड स्टॉक प्राइसेस जब रिसेशन आता है तब उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं, उसके प्राइसेस बढ़ते नहीं है, क्योंकि बढ़ने से तो शेयर एंड स्टॉक प्राइसेस तब बढ़ते हैं जब जीडीपी बढ़ती है और देश में जब तरक्की होती है, ग्रोथ होती है, तब शेयर एंड स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज वर्ड आएगा चूंकि निगेटिव टोन है क्लोज टेस्ट का, तो इसलिए यहाँ पर डिक्रीज वर्ड जो होगा वो सही होगा। शेयर एंड स्टॉक प्राइसेस एंड फॉलिंग इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस बात को पैराग्राफ सही साबित कर देता है कि फर्स्ट ऑप्शन में करेक्टराइज्ड वर्ड ही आएगा क्योंकि यहाँ पर करेक्टरिस्टिक वर्ड यूज हुआ है। ऑल ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स हैव इफेक्ट ऑन पीपल, सम रिसेशंस हैव बीन एंटिसिपेटेड बाय स्टॉक मार्केट डिक्लाइंस। कुछ रिसेशन जो हुए हैं, जैसे अमेरिका में रिसेशन हुआ था, उनको एंटिसिपेट किया गया था, उनका पता पहले ही लगा लिया गया था, या उनको एक्सपेक्ट किया गया था कि ऐसा होने वाला है। एंटिसिपेट का मतलब कि ऐसा आपका होने वाला है। तो कुछ रिसेशन को स्टॉक मार्केट डिक्लाइन से एंटिसिपेट कर लिया गया था। द रियल स्टॉक मार्केट ऑल्सो यूजुअली, अब यूजुअली का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? यूजुअली का प्रयोग हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसी वर्ब चाहिए? यहाँ पर ऐसी वर्ब चाहिए जिसमें एस लगा हो, क्योंकि रियल स्टॉक मार्केट जो है ये सिंगुलर है,
ठीक है। और यूजुअली हमें ये बता रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यहां पर यूज होगा, क्योंकि यूजुअली का प्रयोग हम यूजुअली प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही करते हैं। तो यहां पर आपको एक ऐसी वर्ब चाहिए जो निगेटिव हो और जिसमें एस लगा हो। अब हम देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में देखिए इनिशिएट, अवेकन, स्ट्रेंथन और वोलेटाइल, ये चारों ही देखिए, इनिशिएट पॉजिटिव वर्ड है, अवेकन पॉजिटिव वर्ड है, स्ट्रेंथन पॉजिटिव वर्ड है और वोलेटाइल क्या है, वर्ब नहीं है। वोलेटाइल एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, तो इसलिए ये नहीं आएगा इसमें। और ये तीनों जो वर्ड है ये पॉजिटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड कौन सा है, नेगेटिव वर्ड है इसमें वीकन्स, तो यहां पर आपका आएगा वीकन्स, ठीक है। द रियल एस्टेट मार्केट ऑल्सो यूजली वीकन्स बिफोर आ रिसेसन, मतलब जो रियल स्टॉक मार्केट है वो रिसेसन से पहले वीकन हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डिक्लाइन हाई स्टॉक्स, हाई स्टॉक्स मतलब यहाँ पर आपको क्या वर्ड चाहिए, यहाँ पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो जो हाई के साथ जा सके और स्टॉक को क्वालिफाई करे, स्टॉक को मॉडिफाई करे, स्टॉक की विशेषता बताए, ऐसा एक वर्ड यहां पर आपको चाहिए। तो फोर में हम ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। देखिए हाई मेंटेन्ड स्टॉक नहीं होता, हाई हैवी स्टॉक नहीं होता, हाई रिजल्ट स्टॉक नहीं होता और हाई पेमेंट स्टॉक भी नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर फिर क्या वर्ड आएगा, अगर ये नहीं होता तो इसमें आएगा हाई ईल्ड स्टॉक। हाई ईल्ड स्टॉक का मतलब होता है ऐसे स्टॉक जो जो आपके रिटर्न पर एक अच्छा प्रॉफिट देते हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न देते हैं, उसको हम बोलते हैं हाई ईल्ड स्टॉक्स, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ईल्ड जो वर्ड आएगा, ईल्ड का मतलब प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ईल्ड वर्ड यहां पर सही होगा, हाई ईल्ड स्टॉक्स सच एज फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल एंड टोबैको। अब फिफ्थ में क्या आएगा, टू होल्ड अप बेटर। अब यहां पर देखिए कि टू के साथ कौन सा वर्ड जा सकता है, यहां पर टू के साथ कौन सा वर्ड जा सकता है, वॉन्ट टू, टेन टू, यार्न टू, मेड टू, आर। इसमें देखिए सेंटेंस क्या बोल रहा है कि जो हाई ईल्ड स्टॉक्स होते हैं जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं या फार्मास्यूटिकल्स होते हैं या टोबैको होते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करते हैं रिसेशन में भी, उनकी ये प्रवृत्ति होती है, उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो रिसेशन में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो टू के साथ कौन सा वर्ड जुड़ सकता है, टू के साथ टेंड वर्ड जुड़ सकता है, टेंड टू वर्ड जुड़ सकता है, और टेंड जो वर्ड है वो सेंस के अकॉर्डिंग या कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टेंड टू होल्ड अप बेटर। हाउएवर व्हेन द इकोनॉमी स्टार्ट टू रिकवर ग्रोथ, ठीक है, जब इकोनॉमी फिर से अपनी ग्रोथ को रिकवर करने की कोशिश करती है तो क्या होता है, स्टॉक टेंड टू रिकवर फास्टर, स्टॉक जो है वो जल्दी से रिकवर होते हैं दूसरी चीजों की अपेक्षा। देयर इज सिग्निफिकेंट डिसएग्रीमेंट अबाउट हाउ हेल्थ केयर एंड यूटिलिटी टेंड टू, अब क्या क्या इसमें वर्ड आ सकता है, सिक्स में आप अंदाजा लगाइए क्या वर्ड आ सकता है। यहां पर हम रिकवरी की बात कर रहे हैं तो रिकवर वर्ड ही इसमें आएगा, ठीक है। और एक चीज और देखिए कि यहां पर टू लगा है तो टू के साथ यहां पर क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए यहां पर आपको, इसलिए इसमें रिकवर जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब इंक्रीज्ड नहीं आएगा क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। फाइट वर्ब नहीं है, मतलब फाइट जो है वर्ब तो है लेकिन नाउन भी, नाउन की तरह भी ये यूज होती है। टेंड टू फाइट कहना थोड़ा सही नहीं होगा, टेंड टू वेट कहना सही नहीं होगा, और टेंड टू रिकवर जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, कहना सही होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो क्लास में मैंने क्लोज टेस्ट के बेसिक्स बताए हैं कि क्लोज टेस्ट का पर्पस क्या होता है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना होता है क्लोज टेस्ट को। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से दो या तीन बार आप देखिए, और SBI PO और SBI क्लर्क में इसी तरह के पैसेज पूछे जाते हैं। IBPS PO का एग्ज़ाम भी आने वाला है, RRB का भी एग्ज़ाम आने वाला है। इन सभी में यदि आप सफलता अपनी निश्चित करना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप हमारा ई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा इंग्लिश का गाइडेंस मिलेगा और इसमें करंट अफेयर्स का गाइडेंस मिलेगा। इन सभी ई कोर्सेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। हमारे सभी कोर्सेज की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलती है, और आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक आप ऑनलाइन कोचिंग का फ्री, हमारी जो ऑनलाइन कोचिंग है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन सभी कोर्सेज को आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं, और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से समझने वाले इसमें वीडियो क्लासेस रहते हैं। इन सभी कोर्सेज में आपको PDF और ई बुक्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं और पूरा गाइडेंस आपको दिया जाता है।
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो क्लास? यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और इस चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकॉन भी दबाएं, तभी आपको इस चैनल के थ्रू सारे नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।